गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एससीआर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एससीआर एससीआर इज सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आज देखेंगे। जैसे सिंबल, इंटरनल स्ट्रक्चर, मोड्स ऑफ ऑपरेशन, एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सिंबल। किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके हमें सिंबल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके सिंबल, इट्स अ थ्री टर्मिनल, इट्स ए थ्री टर्मिनल। फर्स्ट वन इज एनोड, कैथोड एंड गेट। इफ यू विल डिस्कस अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर, देन हम देखते हैं कि इसकी चार लेयर्स होती हैं। P1 एनोड, P2 एनोड। जैसा कि इसमें क्लियरली शोन है, इट्स कंसिस्टेड थ्री जंक्शन, J1, J2 एंड J3, एनोड, कैथोड एंड गेट। किसी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को ऑपरेशन के लिए हमें बाइसिंग की जरूरत होती है कि हाउ इट वर्क इन फॉरवर्ड बायस एंड हाउ इट वर्क इन रिवर्स बायस। फर्स्ट वी विल डिस्कस फॉरवर्ड बायस, then we will discuss about reverse bias. Biasing. First, forward bias. जब भी anode terminal is more positive than cathode, then it is forward bias. Anode is more positive than cathode, then we get it considers as forward bias. Reverse bias, जब हमारा cathode positive होगा compared than anode. Cathode is more positive than anode, then it considered is reverse bias. Now we will discuss about the modes of operation, कि how ये हमारा इससे work कैसे करता है। Modes of operation. First, it works in three modes. First is the forward blocking mode. Forward blocking mode. Second is the forward conduction mode. Forward conduction mode. Third is the reverse blocking mode. Reverse blocking mode. फर्स्ट इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, एंड जैसे कि इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है, दैट इज फॉरवर्ड, यानी ये इसमें हमें इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, जब हमारा एनोड इज मोर पॉजिटिव देन कैथोड, देन इट कंसीडर्ड इज इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब ये है कि जब इस डिवाइस को सप्लाई से ऐसे कनेक्ट किया जाएगा कि एनोड हमारा कैथोड के कंपेरिजन में पॉजिटिव होगा, तो ये जो डिवाइस है ये फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होगी। हम फर्दर से कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे कि हाउ इट ब्लॉक्स और हाउ इट कंडक्ट्स। नेक्स्ट इज द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन में, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में हमने बोला कि फॉरवर्ड बायस में रहते हुए ये करंट को ब्लॉक करेगी, दैट मोड इज नोन एज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन, इन द फॉरवर्ड बायस जब हमारा एससीआर इस कंडक्शन के मोड में होगा, तब इसको फॉरवर्ड कंडक्शन मोड कहा जाएगा।
रिवर्स ब्लॉकिंग, जब हम इसे रिवर्स बायस में ऑपरेट करेंगे तो ये करंट को ब्लॉक करेगा, इसलिए इसे रिवर्स ब्लॉकिंग कहा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। इसमें भी क्लियरली एक्सप्लेन होगा कहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में काम कर रहा है, कहाँ पर ये रिवर्स ब्लॉकिंग में काम कर रहा है, या ये फॉरवर्ड कंडक्शन में काम कर रहा है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हम बी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करेंगे। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बायस में हमने बोला हमारा एनोड इज पॉजिटिव देन कैथोड है, तब इन जंक्शंस में हम देखते हैं इन द फॉरवर्ड बायस मोड, जैसे हमने एनोड को पॉजिटिव दिया देन कैथोड, तो हमारा G1 और G3 जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस रहता है और G2 इज इन रिवर्स बायस। J2 रिवर्स बायस में और J1 J3 फॉरवर्ड बायस में, तो हम देखते हैं कि इसमें कुछ करंट फ्लो होती है, दैट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, बट जैसे जैसे हम इसमें वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें ब्रेकडाउन अपन होगा, इस ब्रेकडाउन के कारण जंक्शन J2 ब्रेक हो जाएगा और हमारी करंट फ्लो होने लगेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं कि कुछ टाइम तक हमारी एकदम माइनॉरिटी के कारण जो करंट फ्लो होती है वो फ्लो होती है। आई विल शो यू फ्रॉम ब्लैक मार्कर, ये जो है एकदम नेग्लिजिबल करंट है और जिस वोल्टेज पे ब्रेक ओवर अकर होता है दैट इज वोल्टेज फॉरवर्ड ब्रेक ओवर, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। वैसे ही हमारी वोल्टेज ड्रॉप होगा और करंट इंस्टेंट इंक्रीज होगी, दैट इज इन फॉरवर्ड कंडक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिवर्स ब्लॉकिंग। इन द रिवर्स बायस, इन केस ऑफ रिवर्स बायस जंक्शन G1 एंड G3 इज इन रिवर्स बायस, सॉरी फॉरवर्ड बायस इन रिवर्स बायस, देन G2 इज इन फॉरवर्ड बायस। इसमें जो हमारी करंट है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स इन फ्लो होती है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर ब्रेकडाउन अगर होगा दैट इज इसको हम बोलेंगे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ड्यू टू ब्रेकडाउन हमारी जो करंट है वो इंस्टेंट इंक्रीज होती है इस टाइप से, ये जो है पूरा दैट इज कवर्स इन रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। नाउ वी विल हम देखते हैं कि गेट का क्या फंक्शन है। गेट जो है कंट्रोल टर्मिनल की तरह वर्क करता है, तो इसमें हम समझते हैं कि जैसे अगर हमने गेट के थ्रू करंट इंजेक्ट कराई है तो हमारा जो ब्रेक डाउन है वो पहले अकर हो जाता है। इफ वी अज्यूम IG1 करंट जब हमने कराई है तो IG1 पर हमारा आ गया है, तो इस कारण जो तो हमारा जो IG1 में आने के कारण हमारा यहीं पे वोल्टेज ड्रॉप होकर और यहीं पे हमारी वापस से फॉरवर्ड कंडक्शन होगा देता है। इस करंट में IG2 पर हमने इंजेक्ट कराई है और IG2 IG1 से ज्यादा है तो हमारा ब्रेकडाउन और भी जल्दी आ जाता है और हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन हो उसी हिसाब से थोड़ा सा वोल्टेज कम होकर करंट को इंस्टेंट इंक्रीज करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।